हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेलामाइन पॉलिश के बारे में, और वीडियो में ये भी दिखाऊंगा कि अगर हमें मेलामाइन करना है तो उससे पहले लेकर पॉलिश करना चाहिए या फिर सैंडिंग सीलर अप्लाई करना चाहिए, और सैंडिंग सीलर अप्लाई किया है या फिर लेकर किया है वो कैसे चेक कर सकते हैं, और हाँ दोस्तों मेलामाइन को मिक्स कैसे करना है वो सब भी मैंने इस वीडियो में डिटेल से बताया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेलामाइन दो तरह के होते हैं, एक होता है गोल्ड क्लियर और एक होता है नॉर्मल। अभी हम मेलामाइन गोल्ड क्लियर यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले मैं 4 लीटर की अभी जो पैकिंग है उसकी MRP दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे 2300 रुपये दिख रहा होगा। दोस्तों मेलामाइन इस तरह से टोटल दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है जो उसका बेस होता है वही, और एक होता है हार्डनर। तो दोस्तों ये बेस वाला पार्ट है वो 3.6 लीटर में अवेलेबल होता है, और बाकी के 400 ml है वो इस तरह से 100 ml के बॉटल में अवेलेबल होता है। इसके ऊपर मार्किंग भी किया होता है, और ये मार्किंग हमें जब रेशियो बनाना होता है तब बहुत कम में आती है, इसकी वजह से हम काट के इसके अंदर लिख सकते हैं। अभी आप देख सकते हो मैं वुडटेक मेलामाइन गोल्ड क्लियर यूज़ करने वाला हूँ, और उसके लिए मैंने साइड में 100 ml बनाने वाला हूँ तो बॉटल भी काट के रखा है। अभी आप बॉटल देख सकते हो 100 ml की, वैसे मैंने खाली बॉटल को काट लिया है और मार्किंग वाला ले लिया है, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था। इसकी वजह से हमें बहुत अच्छे से मदद मिल जाती है, क्योंकि जब भी हम बेस लेंगे तो हमें नापना पड़ता है, और नापने के लिए वहाँ पे मार्किंग है तो हमें एकदम एग्जैक्ट रेशियो में मिलेगा कितना डालना है वो सब। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले हमने जो डब्बा खोला है तो इस तरह से हमारा बचा हुआ जो मेलामाइन गोल्ड क्लियर है इस तरह से वाइट जैसा दिखता है, और उसके अंदर आप देख सकते हो वाइट जो गाढ़ा है वो नीचे और केमिकल ऊपर अच्छे से तैर रहा है। तो दोनों को मिक्स करने के लिए हमने एक लकड़ी से अच्छे से पहले इसे सेक करके मिक्स कर लिया है। मिक्स इसीलिए करना होता है कि केमिकल और जो उसके अंदर जितने भी केमिकल होते हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हमने ये जो काटा हुआ था बाउल उसके अंदर 90 ml लेंगे। इसका रेशियो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसका रेशियो होता है 100 ml हमें अगर मेलामाइन बनाना है तो 90 ml बेस लेना है, और 10 ml हमें हार्डनर लेना है। वैसे करके हमें 100 ml बनाना है। अगर आप 1 लीटर बनाना चाहते हो तो उसी हिसाब से 900 ग्राम बेस और 100 ग्राम हार्डनर लेके बना सकते हो। अभी हमने जो ये 90 ml बेस लिया था उसके अंदर हम ये हार्डनर देख सकते हो, ये 10 ml डालने वाले, और फिर नाप के डालने वाले। डायरेक्ट हमें अंदाजे से नहीं डालना है, अच्छे से नापना है और फिर ही डालना है, क्योंकि वो ज़्यादा डालोगे तो वो सूखने के बाद कड़क होकर निकल जाता है, और कम डालोगे तो सूखता नहीं है। इसलिए आपको एग्जैक्ट जो रेशियो है उसी हिसाब से डालिए ताकि अच्छे से हो। और दोस्तों मेलामाइन का जो बेस और हार्डनर दोनों है उसे एक साथ डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद ही इसे डालना है। अभी आप देख सकते हो मैं उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, फिर बाजू में थिनर लिया है मैंने। इसके अंदर थिनर तारा लेक का यूज़ किया है अच्छे से, 555 सुपर थिनर। आप चाहो तो मेलामाइन का थिनर यूज़ कर सकते हो, और कंपनी भी बोलती है कि मेलामाइन का ही थिनर यूज़ करो। तो अभी हम इसके अंदर 30 ml जितना बना लेंगे, क्योंकि हमने 100 ml ही बनाया है। और दोस्तों ये देख सकते हो ये वुड इस तरह का था, उसके हमने पहले की वीडियो एक ऊपर में आई बटन में दूंगा, वहाँ पे सैंडिंग सीलर यूज़ करके अच्छे से आपको बताया है। और ये वही लकड़ी है, हमने दोनों पे सैंडिंग सीलर अप्लाई करके रखा है, तो इस तरह से करना है। अभी ये वाली लकड़ी पे मैं आपको जो आगे की प्रोसेस है मेलामाइन करके दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए सैंडिंग सीलर को घिसना होता है। घिसने के लिए आपको दो तरह के पेपर चाहिए होता है, पहला तो 220 नंबर, और उसके बाद होता है 320 नंबर। 320 नंबर आपको फिनिशिंग के लिए यूज़ करना होता है, पहले 220 नंबर अच्छे से घिसना होता है। तो सबसे पहले इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है और फिर घिसना स्टार्ट करना है। दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि लेकर और सैंडिंग सीलर में आप कैसे फ़र्क पता कर सकते हो। तो उसके लिए आप जब भी जो मेलामाइन करने से पहले सैंडिंग हो रहा है तब आपको सामने खड़ा रहना है और देखना है कि वो जो सैंडिंग कर रहा है तो उसके अंदर इस तरह से वाइट पाउडर अलग से आ रहा है दिख रहा है आपको, या फिर नॉर्मल सा जो सैंडिंग होता है वैसा लग रहा है। अगर इस तरह से वाइट निकल रहा है घिसने पर तो आप समझ लो कि वहाँ पे जो ठेकेदार या फिर कारीगर है उसने सैंडिंग सीलर यूज़ किया है। अगर नॉर्मल निकल रहा है तो वहाँ पर उसने लेकर या फिर कोई और पॉलिश लगा के डायरेक्ट इसके ऊपर मेलामाइन कोट कर रहे हैं। दोस्तों मेलामाइन करने के लिए सैंडिंग सीलर अप्लाई करना ज़रूरी होता है। सैंडिंग सीलर करने से लकड़ी की जितनी भी ग्रीन्स होती है वो अच्छे से फिलअप हो जाती है और एकदम स्मूथ सरफेस हो जाती है। अभी आप देख सकते हो हम कपड़े से साफ भी कर लिए हैं, क्योंकि हमने 320 नंबर का यूज़ कर लिया है। साफ करने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है हमारा वुड रेडी हो जाने के बाद। और दोस्तों एक बात मैं और बताना चाहूँगा, मेलामाइन या फिर PU आप कुछ भी लेकर से ऊपर वाले करो तो आपको स्प्रे गन हमेशा यूज़ करना है। आज से
करोगे तो उतनी फिनिशिंग नहीं आती है, फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसलिए हमेशा स्प्रे गन यूज़ करना है। और स्प्रे गन यूज़ करो तो एक बात और ध्यान रखना है कि कपड़े की मदद से छान के ही उसके अंदर डालना है, क्योंकि इसके अंदर हमने लकड़ी वगैरह से हिलाया है तो उसके डस्ट या फिर और कोई कचरा हो सकता है, तो गन में जाके वो हमारी लकड़ी है उसके ऊपर लग सकता है और फिनिशिंग में थोड़ा दिक्कत ला सकता है। तो आप देख सकते हो इस तरह से थोड़ा कचरा भी है। अभी हम आपको करके दिखाएंगे किस तरह से करना है। तो उसके लिए ये जो कपड़ा है उसे हमने फेंक दिया है और ढक्कन को अच्छे से बंद करने के बाद मैं एक बार आपको पहले वुड पे दिखा देता हूँ, जो हमारा वुड था घिसने के बाद कैसा है। तो इसके ऊपर हम स्प्रे की मदद से करने और मीडियम स्प्रे में करने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसके ऊपर हमें करना है। आप देख सकते हो एक या दो कोट आप एक एक घंटे के बाद इसके ऊपर कर सकते हो। दो कोट करोगे तो अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगा, बहुत अच्छे से फिनिशिंग आता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो ये इस तरह से आप फिनिशिंग ला सकते हो। तो आई होप ये दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, अपना ध्यान रखना।